दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन YouTube पर रेगुलर मिलती रहे। दोस्तों आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो Instagram एप्लीकेशन का यूज़ तो करते ही होंगे, और ऐसे में जब आप किसी व्यक्ति को जब Instagram पे सर्च करते हो तो वहाँ पे आपको कई ऐसी वीडियोज़, कई फ़ोटोज़ दिखाई देती हैं जिन्हें आप देखना नहीं चाहते। और आजकल तो बहुत से लोग रील्स भी बनाने लग गए हैं, तो रील्स में भी कई इस तरह की वीडियोज़ होती हैं जो आपको पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पर ज़बरदस्ती वो वीडियोज़ या फिर वो जो फ़ोटोज़ होती हैं वो दिखाई जाती हैं। तो ऐसे में उन फ़ोटोज़ वीडियोज़ को वहाँ से आप कैसे हाइड कर सकते हो, और आने वाले टाइम में उस तरह की जो वीडियोज़ है या फ़ोटोज़ है या जो कॉन्टेंट है वो आपको वहाँ पर ना दिखाई दे, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि हम देखिए इंस्टाग्राम पे आ चुके हैं, ये मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, और जैसे होम पेज पे हम यहाँ पे आ गए हैं, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो आपको एक सर्च का ऑप्शन दिखाई देता है उस पर आप जब क्लिक करते हैं तो वहाँ आपको कई वीडियोस दिखाई देती हैं, कई फ़ोटोज़ आती हैं। तो मैंने इसे यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर कर रखा है ड्यू टू कॉपीराइट इशू के कारण, कि अगर कोई कॉपीराइट इशू ना आ जाए, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा ब्लर कर रखा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक जो है वीडियो यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे मान लीजिए एक वीडियो ओपन कर ली, तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो जो है ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे अगर मान लीजिए मुझे इस वीडियो को मैं चाहता हूँ कि इस टाइप की वीडियोस मुझे ना दिखाई दें कभी भी, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आपको यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आपको करना है टैप। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे आपके सामने कुछ ऑप्शन आते हैं, पहला आता है रिपोर्ट का, दूसरा आता है नॉट इंटरेस्टेड, तीसरा आता है कॉपी लिंक, और चौथा आता है शेयर टू। अगर आपको लगता है ये जो कॉन्टेंट है ये किसी भी तरह से गलत है, जो इस पर नहीं होना चाहिए, तो आप रिपोर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप रिपोर्ट नहीं करना चाहते और सिर्फ आपके लिए जो है इस टाइप की वीडियोज़ या फोटोज़ नहीं चाहते वहाँ पे दिखे, तो आपको करना क्या, आपको यहाँ पे नॉट इंटरेस्टेड का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, देखिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। दिस पोस्ट हैज़ बीन हिडन, वी विल शो फ्यूअर पोस्ट लाइक दिस फ्रॉम नाउ ऑन, यानी कि हमने इस पोस्ट को जो है हाइड कर दिया है, यह हाइड हो चुकी है और आपको नहीं दिखाई देगी। वी विल शो फ्यूअर पोस्ट लाइक दिस फ्रॉम नाउ ऑन, यानी कि अब से जो है इस तरह की जो भी पोस्ट या वीडियोज़ होंगी वो आपको अपने आपके जो एक्सप्लोर पेज पे या फिर आपके डिस्कवर पे या फिर सर्च पेज पे, जैसे भी आप कहते हैं, वहाँ आपको नहीं दिखाई देगी। तो मान लीजिए इसको तो हमने हटा दिया, लेकिन इसके अलावा कोई फ़ोटो अगर आप जो है हटाना चाहते हो, भाई फ़ोटो भी आप नहीं चाहते, ये पसंद नहीं है, तो आपको उस फोटो पर जाना है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक फ़ोटो ओपन कर ली, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन सेम वही आपको देखने को मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है, फिर आपको नॉट इंटरेस्टेड पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे आपके सामने फिर से वही मैसेज आ जाएगा, तो यहाँ पे आप इस तरह की जो पोस्ट है वो आपको अब नहीं दिखाई देगी। सो दोस्तों इसके अलावा जो है एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए आप किसी वीडियो को, किसी रील्स को या फिर किसी फ़ोटो को आप हाइड कर देते हो, तो वहाँ आपको भी ध्यान रखना है। अगर आप नहीं चाहते कि आपको इस तरह के कॉन्टेंट वहाँ पर दिखाई दें आपको डिस्कवर पेज पर इंस्टाग्राम पर, अगर आप चाहते हो सच में, तो वहाँ पे फिर आपको इस तरह के जो भी कंटेंट अगर दिखाए जाते हैं तो उनको तो हाइड तो करना ही है, और आपको कभी भी उस तरह के जो कंटेंट है उनको देखना नहीं है, उनको लाइक्स नहीं करना, ठीक है, और उस तरह के जो पेजेस होते हैं उनको जाके फॉलो नहीं करना। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करोगे ना, तो धीरे धीरे आपके जो कॉन्टेंट है इस तरह के वो वहाँ पर आना बंद हो जाएंगे, और जिस तरह के कॉन्टेंट आप ज़्यादा देखोगे वैसे आपको वहाँ पर दिखाई देंगे, क्योंकि ये सब जो है ये एक एल्गोरिदम के हिसाब से काम करता है। चाहे आप फेसबुक की बात कर लो या फिर आप इंस्टाग्राम की बात कर लो या यूट्यूब की बात कर लो, जिस तरह के कॉन्टेंट आप ज़्यादा देखोगे वैसे आपको कॉन्टेंट ज़्यादा दिखाए जाएंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो यही चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो चीज़ पहुँचे जो वो देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है, उस तरह के जो फोटोज़ वीडियो है उस पर आपको क्लिक करके उनको लाइक नहीं करना, उन पर कमेंट नहीं करना, और उन पेजेस को फॉलो नहीं करना जो वो कंटेंट डाल रहे हैं। अगर आप ये प्रोसीजर जो मैंने इस वीडियो में बताया है अगर आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे, तो आपको ऐसे कॉन्टेंट, ऐसी वीडियोज़, ऐसी फ़ोटोज़ या फिर ऐसी रील्स आपको इंस्टाग्राम के डिस्कवर पेज पर कभी भी नहीं दिखाई देंगी, और धीरे धीरे इसका एल्गोरिथम चेंज हो जाएगा और आपको होम पेज पर भी ऐसी रील्स वगैरह जो है वीडियोज़ वो कभी नहीं दिखाई देंगी। लेकिन दोस्तों इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और वो ये है कि आप जिन भी पोस्ट वीडियोस को हटाओगे वो तुरंत एकदम से चेंज नहीं होगी, हो सकता है कुछ दिनों तक आपको वो दिखाई दें, उस तरह की जो भी अदर पोस्ट हैं वैसे आपको दिखाई दें। तो वहाँ पे धीरे धीरे जब आप ये चीज़ फॉलो करोगे तो दो तीन दिन में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके मन में कोई सवाल है या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू यूट्यूब पर रेगुलर मिलती रहे।